Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल के लिए नया पार्टनर अपना शेयर तो ला रहा है लेकिन तुम देखोगे कि इसमें उसकी अपनी गुडविल MNN पार्टनर्स हैं बच्चों और उनकी रेशियो है 3:2 Y को उन्होंने 2/7 शेयर के लिए एडमिट किया ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Y गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹630,000 और Y क्या कहला रहा है इन्वेस्टमेंट 65,000 मोटर कार 1,00,000 स्टॉक 95,000 एंड कैश ताकि उसका कैपिटल हो जाए 2,50,000 इसके अलावा Y की अपनी गुडविल भी है जिसकी वैल्यू ₹50,000 है तो अब इसकी आप जनरल एंट्रीज पास थोड़ा ध्यान से देखना इसको मैं समझा रहा हूं आपको बच्चों Y's शेयर ऑफ गुडविल है 2/7 ऑफ फर्म की गुडविल है 6,30,000 मींस 1,80,000 और Y का कैपिटल बैलेंस हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया 2,50,000 इसका मतलब टोटल उसको 4,30,000 ये लेकर आना है बट इसके अलावा Y की ओन गुडविल भी है जो कि एक तरह से फर्म ने उसको देनी है बच्चों 50,000 4,30,000 एक तरह से उसको टोटल लाना था जिसमें 50,000 तो उसकी गुडविल ही होगी तो बैलेंस एक तरह से उसको 3,80,000 लाना है 3,80,000 में से वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है 65,000 की कार ला रहा है 1,00,000 की और स्टॉक ला रहा है 95 और बाकी कैश में ला रहा है ठीक है समझ आ रही बात 1,80,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है जो कि उसने हमें देना है 2,50,000 उसका कैपिटल रखना चाहते हैं मतलब एक तरह से उसको टोटल 4,30,000 लाना था और उसकी अपनी गुडविल भी है 50,000 तो एक तरह से उसको सिर्फ 3,80,000 लाना है अब इस 380 में से वो क्या क्या ला रहा है उसके बारे में हम लोग अब जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया जनरल एंट्री इज वो ला रहा है बच्चों इन्वेस्टमेंट्स ये मैं नंबर 2 दे देता हूं डेबिट व्हाट कम्स इन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 65,000 मोटर कार डेबिट 1,00,000 ₹1,00,000 का बोला रहा है स्टॉक सॉरी 95,000 का बोला रहा है स्टॉक मोटर कार थी 1,00,000 की और बैलेंस बोला रहा है कैश और मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं दिस इज द बैलेंसिंग फिगर इसके अलावा जैसे मैंने बताया वाई की अपनी गुडविल भी है तो जो भी हमने उसको गुडविल देनी है वो हम लोग डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट में एज पर अकाउंटिंग सेंट नंबर 26 हम अपनी बुक में गुडविल को डेबिट नहीं कर सकते हाँ सिर्फ एक केस में डेबिट कर सकते हैं जब हम किसी को मनी और मनी इज वर्थ पे कर रहे हैं टू एक्वायर द गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन अब इसमें नया पार्टनर वाई जो आ रहा है हम एक तरह से उसकी गुडविल एक्वायर कर रहे हैं और उसको 50,000 दे रहे हैं तो हमें गुडविल को डेबिट करना सिर्फ इसी केस में गुडविल को डेबिट किया जा सकता है टू वाइज कैपिटल एंड टू प्रीमियम वो मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों वाइज कैपिटल जो है टू मेक इस कैपिटल 2,50,000 और प्रीमियम 1,80,000 होना है तो टोटल 4,30,000 हुआ 4,30,000 में से वो ऑलरेडी ये जो ला चुका है इसको मैं टोटल कर लेता हूं 65 प्लस 95 160 260 310 बाकी 1,20,000 रुपए कैश बचा जो कि उसको लेकर आना है मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाता हूं टोटल इसको 4,30,000 लाना है जिसमें 50,000 उसकी गुडविल हुई बैलेंस को 3,80,000 लाना है 3,80,000 रुपए में से वो 2,60,000 रुपए ये ले आया और बाकी बचा 1,20,000 जो कि वो कैश में लाएगा ठीक है ना और नंबर 2 एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की वो तो सेम ही एंट्री हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट
टू ओल्ड पार्टनर्स, एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप क्वेश्चन में निकालेंगे वही 3:2 निकलेगी। 180,000 वो जो प्रीमियम लाया है उसको हम 3:2 की रेशियो में 1,08,000 और 72,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका तो नॉर्मल प्रीमियम वाला केस है और ये वाई की अपनी गुडविल थी। तो दोनों ही गुडविल जब क्वेश्चन में हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? धन्यवाद।